देखो एकदम एकदम पूरा रोड स्नो कवर्ड होने वाला है। तो भाई इसी के साथ हम लोगों की आज की राइड की शुरुआत होती है। तो आज की राइड की शुरुआत करते हैं हम अपने भगवान के नाम के साथ, जय श्री श्याम। भाई आयुष और दीपक भी रेडी है, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से विशेष के घर। हाँ तो भाई साहब निकलते निकलते ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई है, भाई 4 बजे निकलने वाले थे, मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ। इनका बाइक पे सामान लोड करवा रहा हूँ मैं, और अब यकीन नहीं करोगे और पूरे 2 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, और विशेष वेट कर रहा भाई, फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है, कहाँ रह गए, अब उसे क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ क्यों लेट हो रहे हैं। जा रहे हैं फटाफट उसके घर, उसका भी उसका तो सामान मेरे ख्याल से लोड ही है, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी हो, निकल जाना उसको लेके वहाँ से साथ में। और अब इतनी सारी बातों के बाद एक बात आती है कि भाई हम लोग जा कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि भाई हम लोग जा रहे हैं ओली, वो भी विंटर्स में। विंटर्स का मतलब ओली के अंदर होगी स्नो कैंपिंग, और स्नोफॉल मिल जाए तो भाई सोने पर सुहागा। फिलहाल तो हम लोगों ने वेदर फॉरकास्ट चेक किया था, तो भाई वो तो दिखा रहा है कि भाई स्नोफॉल होगी, बाकी भाई हमारी किस्मत के ऊपर है। जैसे कि हम लोग मनाली गए थे अभी दिसंबर में, तो वहाँ तो स्नोफॉल मिली नहीं, वैसे इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि दिसंबर में मनाली में स्नोफॉल होती नहीं है, जनवरी में होती है। अब तो हम जनवरी में जा रहे हैं ना, अब देखते हैं भाई क्या सीन है स्नोफॉल का। अभी फ़िलहाल मेरे को लगता है आप लोगों को कुछ देखने के लिए खास होगा नहीं, इस अंधेरे में बस गाड़ियों की लाइटें दिख रही होंगी। तो अब यहाँ से फटाफट स्किप करके पहुँचते विशेष के घर, अपने पहले स्टॉप पर तो पहुँच गए हम लोग विशेष के घर। हाँ बस रेडी हो, ये पूरा ज़्यादा टाइम ना लगे अब यहाँ पे, वैसे जितने फ़ोन करे लगता तो ये कि लेट कराएगा। और ये खड़ी भाई इसकी बाइक जिसका नाम है हल्क, ओहो हॉर्न भी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। उतरो उतरो, आपके क्या हाल है सर, जल्दी तैयार हो जाओ। बस हाँ नागी भैया, दीपक, आयुष, एक स्लीपिंग बैग नहीं आ पा रहा है। स्लीपिंग बैग, अब भाई फटाफट पहले इसकी बाइक पे सामान माउंट करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन करना है। चलो भाई अपनी राइड की शुरुआत, ठीक है आ गया विशेष भी। अब सबसे पहले भाई हमें पेट्रोल पंप पहुंचवा दे यार, सांसें अटक रही हैं पेट्रोल के चक्कर में। भाई राइड से पहले हम लोग पहुँच गए अपने महादेव जी के पास, थोड़ी सी कृपा महादेव साथ चलना हमारे, कृपा करना, हर हर महादेव। चलो भाई सारे राइडर्स ओके, तो अब पेट्रोल पंप की ओर प्रस्थान करते हैं यहाँ से। हाँ लेट्स गो। जो दिल्ली से लेके मेरठ तक अभी एक हाईवे बना हुआ था, A1 फर्स्ट क्लास हाईवे, जिस पर रोर करते हुए जाते थे और भाई फटाफट कवर हो जाता था रास्ता, वो रास्ता बाइकों के लिए बंद कर दिया भाई गवर्नमेंट ने, चलान है उस पर। तो अब हम लोगों को नीचे से मोदी नगर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब है और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा जाम मिले। और अभी अभी विशेष ने बताया इसके कुछ कॉन्टैक्ट थे, तो देहरादून उत्तराखंड में भाई, देहरादून और ऋषिकेश की साइड पर ओले पड़े हैं कल शाम को। ओले ओले का मतलब समझ रहे हो भाई, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ तो पक्का स्नोफॉल तो हुई होगी ना। ओ भाई जान बची तो लाखों पाए, हम लौट के पेट्रोल पंप को आए, दीपक की बाइक में भी ऑलमोस्ट का पेट्रोल ख़त्म था और मेरी बाइक में भी ख़त्म था। भाई फटाफट अब फ्यूल अप करवाते हैं, फुल कर दो। तो भाई फ्यूलिंग वगैरह हमारी हो गई है, सबके बाइक में पेट्रोल फुल है एकदम। अब भाई निकल गए हैं नीचे मोदी नगर वाले रस्ते से, तो इसी रस्ते की मैं बात कर रहा था भाई, देख लो थोड़ा सा ख़राब पैचेस है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेट्रो का काम चल रहा है और थोड़ा सा रश वगैरह यहाँ पे है, तो स्पीड थोड़ी हमारी स्लो होगी यहाँ पे, टाइम लगेगा थोड़ा मेरठ पहुँचने में, रेदर देन उस हाईवे से जाते थे हम, वो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, तो अभी बाइक्स के लिए अलाउड नहीं है, कॉप्स वगैरह खड़े रहते हैं वो पकड़ लेते हैं। हम लोग मेरठ पहुंच चुके हैं और रोड भी बढ़िया हो गया, हाईवे पे आ गए हैं अब। और अगर हम उसी हाईवे इसी हाईवे से पीछे दिल्ली से जाते तो मेरे ख्याल से अभी से हम आधे घंटे 40 मिनट थोड़ा जल्दी होते। कोई बात नहीं, खैर अब 9 बजने वाले हैं और अब थोड़ा सा भाई रोड सही हुआ है, सामान वामान भी बंद गया थोड़ा सही से, तो अब फील आ रही है बढ़िया बाइक भगाने में। विशेष को देखो, ओहो जोशी आ गए इसका तो सामान सही से पैक होने के बाद। और भाई हम लोग सोच रहे हैं कि अब थोड़े नज़ारे बढ़िया हो रहे हैं, तो हाईवे क्रॉस करने के बाद कहीं पे थोड़ा सा रुकें, इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डाल लेंगे। तो अगर अभी आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया, तो भाई यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, @chillvibeblogs, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, तो भाई सब स्कूलों में ऐसे सेलिब्रेट होता है, तो यहाँ भी कोई स्कूल के बच्चों में भी फंक्शन से निकले हैं लोग,
फ्लैग व्लैग लेके जा रहे हैं। काफी अच्छा लगता है यार जब सब ऐसे दिखते हैं। अभी यार काफी सारे फ्लैग वाले दिख रहे हैं इस हाईवे पे, सोच रहे हैं किसी पर रोक के एक बार फ्लैग वगैरह देख लें, अगर बाइक पे लगवा पाए तो हम भी लगवाएंगे, काफी अच्छा लगेगा। लाइन अप चारों बाइकर्स बाइक के पीछे फ्लैग लगवा के जा रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग एंटर कर चुके हैं रुड़की में। अब यहाँ पे भी हम लोग फ्लैग्स ढूंढ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मिल जाए तो लगवा लेंगे यार। और अब भूख भी बहुत तेज लग रही थी जैसा कि पहले से ही, तो अब रुड़की क्रॉस करते ही कहीं पे भी देखते हैं बढ़िया से किसी ढाबे वगैरह पे रुकते हैं, चाय कॉफ़ी पी लेते हैं एटलीस्ट यार थोड़ी भूख शांत हो। बाकी मेन लंच तो देखते हैं बीच में कहीं करेंगे या शायद मन नहीं करा तो ना भी करें। तो देखो सूरज देवता हमारे सर पे, और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है धूप से, सही है यार थोड़ा सही लग रहा है। धीरे धीरे ठंड ज़्यादा लगने लग गई थी, पीछे मुजफ्फरनगर साइड पे काफ़ी फॉग था और मौसम खुला है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार क्यों ही खुल गया, ऊपर स्नोफॉल ज़्यादा ठंड मिलेगी यार, दोबारा फॉग आया वापस पर ठीक है। तो भाई अच्छे चढ़े इस हाईवे पे हम लोग, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर आए जा रहे हैं भाई, ढाबा आ नहीं रहा विशेष की, आत्मा तड़प रही है, खाना खाना चिल्ला रहा है जब से। रो मत भाई रो मत, ढूंढ रहे ढूंढ रहे। ओह आ गया, लगता कुछ सिटी एरिया है, ढाबा मिलेगा ढाबा मिलेगा, ये रहा। आ जाओ भाई आ जाओ, खाना मिल गया, चाय कॉफ़ी पी लेंगे। चमोली जी देखते हैं भाई कैसा है, भारी बैठ जाएंगे भारी बैठ जाएंगे। तो भाई हम लोग अब पहुंच चुके थे रुड़की चमोली कुछ ढाबा करके हैं। यहाँ पे भाई हम लोगों ने खाया ऑमलेट और पनीर पराठा, दोनों भाई A1, और कॉफ़ी और चाय ली थी भाई वो भी बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके। अब भाई यहाँ से फटाफट गियर अप कर रहे हैं और निकल रहे हैं आगे, क्योंकि हम ऑलरेडी घर से लेट चलते थे, लेट ही चलते तो यहाँ भी लेट थे। तो अब भाई सब गियर अप कर रहे हैं और फटाफट निकलते हैं, मैं एक बार आपको फटाफट सबसे मिलवा देता हूँ। हमारे साथ इस बार आए हैं वैम्प रॉक्स, ऐसा लगता है भाई गियर अप करने में सबसे देर लगा रहा है ये लड़का। बस फैन रहा यार, फैन पर लेके आऊँगा फिर फुट फुट ये भाई चला रहा है फुल खिंचा मार के तेज भगा रहा है सबसे आगे, भाई फायदा उठा रहा है ना सबसे ज़्यादा पिकअप है इसका। उसके बाद भाई मेरे पिलियन नागी ब्रो, बहुत टाइम बाद भाई ये ट्रिप पे निकले हैं, पता नहीं एकदम से मन हो गया इनका चलने का, सारे ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं भी चल रहा हूँ, तो इसलिए इनको पिलियन बना लिया हमने एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में। और भाई दीपक कमांडो बॉय मनाली के बाद तुरंत तैयार, और भाई ट्रैकिंग पार्टनर आयुष, ये तो सबसे पहले इसको पूछता हूँ ट्रिप पे चल रहा है, बोलता है भाई ट्रैक है या नहीं है ऐसे। भाई सब रेडी हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं ठीक है, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, और अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ गोप्रो पे। अब हम लोग फिर से मिल चुके हैं गोप्रो पे, और भाई जैसा ये ढाबा लग रहा है आयुष तो उतरते ही बोल रहा था यार कहाँ रोक दिया थोड़े और सही से पे रोक लेते, लेकिन भाई सही मैं बता रहा हूँ खाना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था और अब बहुत बढ़िया पेट पूजा हो गई है। अब फटाफट निकलते हैं, अब मैंने आगे लगाया देखो फ्रंट में मैप, और मैप में अभी टाइम दिखा रहा है ओली जोशी मठ का 7:50, ऑलमोस्ट 8 घंटे, और अभी टाइम हो रहा है 11:20 मतलब 11:30 के आसपास, अब से 8 घंटे मतलब वही 6-7 बजेंगे यार हमें, और अंधेरा हो जाए तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी चलाएं, ब्रेक कम लें और अंधेरा होने से पहले अपना रिजॉर्ट ले लें एटलीस्ट, तो थोड़ा इजी हो जाएगा काम, क्योंकि पता नहीं है वहाँ पे कितनी स्नो है क्या है, रात को रिजॉर्ट वगैरह स्नो में ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी। तो होप सो, सो फार सो गुड, सब जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए। अब अभी तक तो बहुत बढ़िया ट्रिप जा रही है, धूप देखो यार कितनी तेज़ निकल गई है, फॉग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अब थोड़ी गर्मी मतलब गर्मी नहीं बोलेंगे इसे, मतलब ठीक है टेम्परेचर, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ठंडा है, मैनेजेबल है। मतलब इतने हमने जो भी घर से पहन के चले थे जैकेट वगैरह और राइडिंग जैकेट, इसमें हम कितनी भी देर खड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं पसीने नहीं आ रहे एटलीस्ट, तो ये बहुत सही टेम्परेचर लगता है, कि ना गर्मी ना ऐसा कि ठंड की कांप रहे हो, सब कुछ सही। मेरे ख्याल से यहाँ से अब हरिद्वार हमारा बचा होगा 25, उसके बाद ऋषिकेश, तो ओवरऑल मिला के मान लेते हैं हम 50 किलोमीटर के बाद हमारे पहाड़ शुरू हो जाएंगे, पास और पहाड़ शुरू होने के बाद एनर्जी लेवल अप, और थोड़ा मज़ा भी आने लगेगा। प्लेन रोड पे चला चला के थोड़ा बोर भी हो गया ना, आप लोग भी देख देख के बोर हो गए होंगे, प्लेन रोड सीधे रोड बस चले जा रहे हैं। ओहो ये बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बद्रीनाथ यमुनोत्री यहाँ पे केदारनाथ वगैरह सब थे, पता नहीं कुछ थोड़ा ख़राब हो गया है बोर्ड, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रही हैं, सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। जैसे थोड़ी ठंड लगनी स्टार्ट हुई थी उसके बाद एकदम से भाई हमारे सूरज देवता निकला है और थोड़ी सी धूप कर दी, और उसके बाद हमने भाई साहब ब्रेकफास्ट भी कर लिया तो भूख भी मिट गई, और अब हम लोग हरिद्वार भी आ गए,
तो साइड में गंगा जी भी मिल गई और भाई पहाड़ों के भी दर्शन हो गए, धीरे धीरे पहाड़ शुरू हो गए हैं। ओहो भाई ये हमारी आ गई हर की पौड़ी, वो उधर घंटाघर और हर की पौड़ी। रश इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब है, भीड़ है। लास्ट टाइम मैं अभी जब केदारनाथ जा रहा था, जब आया था यहाँ पे, उसका मैंने व्लॉग नहीं किया था, बट उस टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शन और सफाई का काम चल रहा था, तो बिल्कुल ही खाली पड़ा था पूरा अपना हर की पौड़ी घाट वाट। और आज तो सब कुछ सही, एकदम बढ़िया, पानी भी ब्लू, एकदम ब्लू, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बारिश अभी नहीं हो रही है तो पानी साफ़ आ रहा है, बारिश आती है तो पानी थोड़ा सा स्लश ही आता है। अभी तो सारे ग्लेशियर्स जमे पड़े हैं भाई, इतने इंतज़ार के बाद बहुत दूर से ढूंढ रहे हैं, लास्ट 100-150 किलोमीटर से हम फ्लैग्स ही ढूंढ रहे हैं और फाइनली हमको मिल गए। अब हम सब प्लान करके अपनी अपनी बाइक पे फ्लैग लगवाते हैं, बड़े वाले लगवाएंगे भाई, छोटे वाले नहीं। एट लास्ट इतना ढूंढने के बाद, कम से कम 100-150 किलोमीटर से हम लोग ढूंढ रहे थे, फाइनली हमें मिल गए अपने तिरंगे। और हमने चारों बाइकों पे ऐसे माउंट कर लिए हैं लाइन से। अब भाई हम चारों जब ऐसे अपना तिरंगा लगा के रिपब्लिक डे पे लहराते हुए पहाड़ों में निकलेंगे तो क्या लगेंगे भाई। और ये भाई है कि हरिद्वार में ये ट्रैफिक तो मैं जितनी बार आया हूँ उतनी बार मिला है, क्योंकि भाई यहाँ पे साइड में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है और पता नहीं भाई 1-1.5 साल से चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वैसे ज़्यादा लंबा होता नहीं है ये ट्रैफिक, बट स्टिल कभी तो ख़त्म हो ये ट्रैफिक। सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, रात को आ जाओ इवन, तब भी यहाँ पर ट्रैफिक मिलता है भाई। ओ भाई मारो मुझे मारो, मैं बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर गया कि भाई बहुत मज़े आ रहे हैं ये वो पहाड़ वहाड़, भाई इतना गंदा ट्रैफिक मिला है ऐसा लगा। अब तो ग्लव्स भी चुभ रहे हैं, गर्मी लग रही है, जैकेट भी लग रहा है, गर्मी उतार तो भाई इतना गंदा ट्रैफिक है ऋषिकेश एंटर करते टाइम, बहुत बुरा हाल। हम तो चलो फिर भी एक बार को निकल जाएंगे, हमारे पास पैनियर्स या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, सैडल बैग्स वगैरह, तो नैरो स्पेस में से भी निकल जाएंगे। आयुष और मैं तो हम तो आ गए, दीपक भी आ गया भाई, विशेष की बाइक पे सडल बैग्स लगे हुए हैं तो वो तो पूरी गाड़ी जितनी जगह ही लेके निकलेगा। तो अब ये जाम पार करने के बाद विशेष के लिए वेट करना है साइड में लगा के, सब कुछ मिलेगा भाई एक राइडिंग पे, सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच के चलो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, एक्सपेक्टेड तो होंगी, नहीं तो बुरा लगेगा ना। खैर ओम हो, ये देखो अब इस नैरो स्पेस से हम निकल जा रहे हैं लेकिन विशेष नहीं आ पाएगा ना। एक है हमारे आयुष को देख लो भाई, पानी की तरह चल रहा है, जहाँ जगह मिलेगी घुस जाएगा भाई। आयुष पहुँच गया यहाँ पे अपनी PUC करवाने, लड़के को बहुत टेंशन हो रही थी आज, इसका पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया, हमने जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे चेक करा। तो जब तक बाकी सब आएंगे हम यहाँ पे अपना आयुष की बाइक का PUC करवा लेंगे। हाँ नहीं तो चलान कटेगा तो लड़के को बहुत दर्द होगा, 10,000 का चलान है, जब से इसने सुना है ना 10,000 का चलान है तब से इसको, तो भाई पेट्रोल पंप का है, पेट्रोल पंप ढूंढो, पेट्रोल पंप ढूंढो, सारा सही लगा रखी थी। चलो यही सही, जाम में कुछ काम ही हो जाए। ओहो ये तो राइम होगी, जाम में काम भाई। अब गर्मी तो बहुत हो रही है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ जब तक वो लोग आगे आएंगे तब तक बाइक को साइड में लगा के ग्लव्स व्लव्स उतार के रख दूँ क्या मैं भाई। पॉल्यूशन करवाते करवाते ही थोड़ा सा ट्रैफिक भी खुल गया और विशेष वगैरह भी पहुँच गए यहाँ पे, अब चलते हैं आगे। हमें तो लग गई थी गर्मी, हम भाई ग्लव्स फ्री हो गए, फाइनली भाई ट्रैफिक से निकल गए हैं। अब इतना कुछ हार्डकोर ट्रैफिक नहीं लग रहा, निकल जाएंगे नॉर्मली, बस सब आ गए, आयुष भी आ गया, विशेष भी आ गया भाई, हमारी वी स्ट्रॉन्ग दीपक रह गया पीछे पता नहीं कहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई विशेष पैनियस लगा के आ गया उस ट्रैफिक में से, दीपक कहाँ रह गया। उस ट्रैफिक से निकल के जो रिलीफ मिला ना, ऐसे पकड़े थे इन कपड़ों के अंदर, इतनी गर्मी मेरे को, मैं ऐसे सोच रहा था मैं ये ऋषिकेश देहरादून में हूँ भाई इस टाइम पे, इतनी गर्मी लग रही है मेरे को, जनवरी में ग्लोबल वार्मिंग ने ऐसी तैसी कर दी सब चीज़ की। बट ठीक है, हाँ थोड़ा सा वो ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद ठंडी हवा लग रही है तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, नहीं तो बहुत गर्मी हो गई थी, हेलमेट भी उतारने का मन कर रहा था भाई उस ट्रैफिक में। तो फाइनली क्रॉस हुआ, थोड़ी स्पीड मिली, रोड खाली मिला और
सामने पहाड़ मिले भाई, और क्या चाहिए। ये देखो थोड़ा सा ट्रैफिक खुल गया और अब थोड़े से कर्व्स चालू हो गए हैं, थोड़ा लीन करने को मिलेगा। ये आ गया अपना श्रीनगर 91 भाई, ये श्रीनगर उत्तराखंड का श्रीनगर है, गौरीकुंड समर बद्रीनाथ यहाँ से हमारा दिखा रहा है 285, हमें बद्रीनाथ ही ढूंढना था उस बोर्ड पे, और मैप दिखा रहा है 243 क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग जाना बद्रीनाथ से। और जो मज़ा आ रहा है अब भाई इन पहाड़ों पर लीन करके चलाने में, हम लोगों ने थोड़ी सी सेटलमेंट चेंज कर लिया भाई राइडिंग का, अपनी पोजीशंस दीपक को हम लोग बीच में ले आए हैं क्योंकि भाई वो फर्स्ट टाइम राइड कर रहा पहाड़ों में, तो थोड़ा सेफ रहे उसके लिए। पीछे से आयुष थोड़ा सा उसके साथ इंटरकॉम से कनेक्टेड हो, गाइड करता रहेगा और मेरे पीछे चल रहा है, तो आगे से कोई गाड़ी वगैरह आएगी तो पहले मैं ये देख लूँगा तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। और भाई ये देखो पहाड़ों में आती ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि भाई लैंडस्लाइडिंग तो कहीं भी कभी भी मिल सकती है। ये देखो भाई पता नहीं पहाड़ काटा जा रहा है, मुझे मशीन तो कोई लग नहीं रही, लग रहा है लैंडस्लाइडिंग ही हुई है ये। एक ये भाई पता नहीं क्यों ऐसा, जब भी ट्रक वगैरह जाते हैं ना पीछे से सरिये वगैरह या ऐसा कुछ भी मेटल का सामान रख के, भाई मुझे फाइनल डेस्टिनेशन याद आ जाती है ऐसे पहाड़ों में स्लोप पे ट्रक पीछे और ये फाइनल डेस्टिनेशन। वो हो गलत सीन, गलत, इसको बहुत देर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है विशेष भी भाई, लेकिन ये फुल बीस्ट मोड में चला रहा है आज। ये देखो भाई ओहो, देखो यार यही तो है, क्या प्यारा लैंडस्केप है भाई, माउंटेन्स चारों साइड, माउंटेन्स की पीक आधे अभी धूप से कवर्ड हैं, आधे अभी छाया से कवर्ड हैं, और भाई क्या लग रहे हैं सब। इन्हीं के लिए तो भाई इंसान पहाड़ों में आता है वीकेंड मनाने, और वीकेंड से याद आया भाई ऋषिकेश और देहरादून के आसपास तक तो था भाई काफ़ी ट्रैफिक, उसके बाद आप रोड्स देखो भाई दूर दूर तक इक्का दुक्का गाड़ियाँ, कोई आ रही हैं तो आ रही हैं, नहीं तो कोई नहीं है, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल है ही नहीं। केदारनाथ पड़ता है यहाँ पे, केदारनाथ मंदिर अभी बंद है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ भी बंद पड़ा है, तुंगनाथ भी अभी बंद पड़ा है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स तो मिलती ही रहती हैं। और आयुष और दीपक अभी मेरे को लग रहा है हम लोगों से काफ़ी आगे चले गए हैं, विशेष और मैं व्लॉग करने के चक्कर में कभी कभी थोड़ा स्लो करते हैं बाइक की सीनरीज कैप्चर कर लें, तो उसी चक्कर में वो लोग अपना आराम से बाइक भगा रहे हैं और काफ़ी आगे चले गए हैं। हम भी ज़्यादा रोक नहीं रहे क्योंकि मैं उसको लग रहा है कि देवप्रयाग पे वो लोग हमें मिल ही जाएंगे देवप्रयाग पे, क्योंकि हमें फ्यूलिंग करवानी है, विशेष की बाइक में फ्यूल कम है भाई। अब यहाँ पे सभी रिफ्यूलिंग करवा लेते हैं भाई, ऑलमोस्ट अब तो सब लग गए लाइन में, चारों बाइकों का टैंक फुल, और थोड़ी सी भूख लगी थी, क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो हम लोगों ने खाई 2 5-star। अब लगता है 2-2.5 घंटे तक तो लंच करने की ज़रूरत है नहीं, 4:30-5 बजे के आसपास थोड़ी भूख लगी तो रुक के कहीं पर लंच कर लेंगे भाई। भाई साहब यहाँ से स्लिप हुई, इसमें जाके इधर गिरा ये, नहीं 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 चोट नहीं लगी भाई, मैं कह रहा था इसे धीरे चला ले थोड़ी, पता नहीं ये चोट कुछ लगी भाई, कौन है अरे तू ही है ना पे तो थोड़ा धीरे चलाना, तेरे टायर भी तो पतले हैं सुन, पैर वैर में तो नहीं लगी ना, लेना नहीं रहा था उधर, ग्रेवल नहीं पड़ा हुआ, ग्रेवल के बाद से सुना तभी तो। बाइक चेक कर ले एक बार, बाइक में तो कहीं नहीं लगी, और हैंडल पीछे हो गया, पीछे मतलब तेरी साइड पीछे की ओर हो गया, दोनों पूरा स्टैंड ढीला हो गया, स्टैंड खराब हो गया, देखते हैं क्या क्या खराबी हो गई भाई। क्या हो गया, स्प्रिंग गिर गई, स्प्रिंग ये लगा देते हैं, ये मुड़ गया, देख गियर लीवर तो बांध देंगे रस्सी से पीछे, ये स्प्रिंग ऐसे नहीं लगी तो अभी बांध दो, किसी मैकेनिक पे लगवा लेंगे, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, अरे किसी कपड़े से तो बांध दे इसे, अभी बांध दो मेरे भाई, से बांध दो इसे, चलो भाई। सबसे सही चीज होती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, बाइक पे माइनर से स्क्रैचेस हैं,
ठीक है, इट्स ओके, रोड पे बाइक चलती है तो थोड़ा बहुत तो होता रहता है। सबसे बेस्ट बात यह है कि भाई एक माइनर सी एक स्क्रैचेज, हाथ पे मिट्टी तक का निशान नहीं था उसके, इतना क्लीन बच गया भाई, फॉर गॉड से एक सही है, नहीं तो भाई ट्रिप की तो ऐसे ऐसी होती है और काफ़ी दिक्कत हो जाती है यार। चलो सही है, सेफ एंड साउंड। अब उसको पीछे ही कर दिया मैंने, कहा भाई मेरे पीछे ही रहा, मैं चला रहा हूँ सबसे आगे। कह रहा था उसकी मतलब कुछ ऐसा हुआ कि वो गाने सुन रहा था अपने इंटरकॉम में, अब गाने सुनते सुनते वो रोड खाली पड़े थे तो वो चला रहा था, मोड़ी सही थी, गलत नहीं थी, ठीक है, कर्व वर्व सही ले रहा था वो, बट उसके पीछे वाले टायर के नीचे ग्रेवल्स आ गए और उससे एकदम स्लिप हो गया, और वो जैसे ही स्लिप हो उसने ब्रेक भी दबा दिया। अब इलेक्ट्रा का रियर ब्रेक भाई ड्रम ब्रेक होता है, ABS था नहीं, जो अपने तरीके से रोके स्किट कर गई और वो पीछे गड्ढे में चली गई। और एक बेस्ट बात ये भी हुई कि चलो वो उधर साइड में थोड़ी नाली वगैरह कुछ ऐसी गड्ढा सा बना हुआ था तो उसके अंदर चला गया, तो सडनली रुक गई बाइक, नहीं तो स्लिप होती दूर तक, कुछ भी हो सकता था। ऊपर से पीछे ट्रैफिक में गर्मी इतनी लग रही थी तो भाई ने अपने ग्लव्स भी उतार दिए थे, मैंने भी उतार रखे हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले हाथ ही टच होते हैं ज़मीन पर अगर कुछ ऐसे गिरते हैं तो भाई कुछ नहीं हुआ, बढ़िया। सोफा सो गुड, महादेव हमारे साथ हैं, श्याम बाबा हमारे साथ हैं, जय श्री श्याम। और लो महादेव की बात करी और महादेव हमारे साथ, ये देखो भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस, हर हर महादेव। मैं नहीं चलाने दे रहा उस तेज, अपने पीछे ही रखूँगा और हिसाब से चला के जाएंगे, कोई बात नहीं भाई। 7 बजे करीब तीन टाइम है, 9 बजे पहुंच जाएंगे, क्या है सोना ही तो है, 7 बजे भी उतना ही अंधेरा मिलेगा, 9 बजे भी उतना ही अंधेरा मिलेगा, क्या करना है इतना तेज भगा के, तो आराम से चलते हैं। ये आ गया है देवप्रयाग का संगम, अलकनंदा और भागीरथी का। ये संगम आपने मेरी वीडियो में 2-3 बार देख रखा होगा, स्टोरी भी पता है, ठीक है, नहीं पता तो वो जिसमें मैंने स्टोरी बताई वो व्लॉग में यहाँ पे पिंक कर दूंगा ऊपर कॉर्नर पे। और भाई इसको आपने मेरे व्यू से, कैमरा एंगल से, बहुत अलग अलग व्यू से देखा है, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा इसको मैवरिक के व्यू से, क्योंकि मैवरिक भी बहुत देर से बैठा हुआ बोर हो रहा है भाई, तो आप देखो तब तक मैवरिक के शॉट्स। हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, जी तो कैसे लगे आपको मैवरिक के शॉट्स, थे ना कमाल। और अब हम वहाँ से निकल गए हैं, धीरे धीरे शाम हो रही है भाई टाइम, क्योंकि 3:30 बज गए हैं मेरे ख्याल से, 5:30-6 बजे तक तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, 6 बजे तक लास्ट, ठीक है। और भाई देर सवेर फाइनली हम लोग पहुँच गए श्रीनगर। श्रीनगर भाई मुझे पर्सनली बहुत प्यारा व्यू लगता है इसका, एक आगे जाके भाई टर्न है, पूरा पानी ब्लू जैसे दिखता है, हालांकि सिटी बहुत बढ़िया है। ये देखो भाई इसकी बात कर रहा था मैं, जो प्यारा व्यू मुझे ये लगता है ना भाई, ये प्राणी है वैम व्लॉग्स, व्लॉग नहीं बनाने देता ये, ये तो गोरिल्ला पॉड। भूख लग रही है कुछ, इतने खाई लेते ना कुछ है आप? ले लो फ्रूट्स वगैरह ले लो खाने के लिए। तो भाई अभी हम लोग हैं श्रीनगर में और जैसे कि आपने पीछे व्यू देखा, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं भाई, कुछ खाने का ले लेंगे, मशरूम वगैरह जो हम कुछ प्लान कर रहे हैं भाई बॉनफायर पे कुछ करने का, क्योंकि इसके बाद कोई मार्केट नहीं पड़ेगी हमारे पास, इससे बड़ी तो ये बड़ी मार्केट है। अब यहाँ से सामान लेके फिर आगे निकलेंगे। तो हम लोग रुके थे भाई श्रीनगर में सब्जियाँ लेने के लिए कैंपिंग में, जो काम आ जाए मशरूम वगैरह, बट हमें यहाँ पे एक दिख गया टिक्की वाला, हम लोगों ने टिक्की, बर्गर, स्प्रिंग रोल, मोमोज, सारा जंक फूड खा लिया यहाँ पर लंच के नाम पर, पेट भर लिया फटाफट, बढ़िया, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी दे दिया ना रेडी टू ईट था सामान, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सबने खा लिया, पेट भर गया, बैठ गए लोडेड, हम भी लोडेड, बाइक भी लोडेड। श्रीनगर में हमें मिल गई एक मैकेनिक की दुकान, आई उसकी बाइक का जो थोड़ा बहुत हुआ था भाई वो सही करवा रहे हैं। देखो यहाँ से वो लेग गार्ड ही टूट गया पूरा इसका, मुड़ गया था और हेडलाइट में पत्थर लग गया, तो हेडलाइट भी टूटी हुई है इसकी, देखो, और थोड़ा सा इसका ये गियर लीवर मुड़ा हुआ है, बस बाकी सब ठीक है, हाँ हो गया ओके, हैंडल थोड़ा सा बैंड हो गया था वो सही करवाया, बाकी सब ओके। स्टैंड की स्प्रिंग निकल गई थी वो लगवानी जरूरी है, साइड स्टैंड की इसकी, ये सब करवाते हैं, निकलते हैं फटाफट, रुक रुक के पता नहीं बार बार ही रुके जाते हैं हम, लेट हो जाते हैं, अब नहीं रुकना भाई।
भाई हम लोगों ने अभी जस्ट क्रॉस किया है धारी देवी टेम्पल। धारी देवी टेम्पल बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध और माना जाना टेम्पल है। तो केदारनाथ में आपदा आने के लिए बहुत बड़ा रीज़न था उस मंदिर का, तो उसकी स्टोरी मैंने पूरी ब्रीफ बता रखी है अपने व्लॉग में, उसको भी मैं यहाँ कोने पे कहीं पे पिंक कर दूंगा भाई, देख लेना। अभी हमें उस मंदिर पे जाने का टाइम तो नहीं था क्योंकि लेट हो रहे ना, इसलिए तो हम लोग रुके नहीं, दूर से ही बस ऐसे ही हाथ जोड़ लिए, माता रानी के दर्शन कर लिए और बस चल दिए। अब ऑफ रोड पैच आ गया भाई। ओहो, ये देखो यार, नीचे देखो यार, जितना ख़राब रास्ता उतना ही सुंदर व्यू। भाई उसकी भाई काफ़ी स्लिप हो रही है ऐसे स्लिपरी रोड्स पे, तो धीरे ही चलेंगे ताकि वो भी धीरे ही चले भाई। ओ वाटर क्रॉसिंग, जब से इस जिस चीज़ की बातें कर रहे थे हम लोग वो टाइम आ गया है, ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं। देखते ही देखते 10-15 मिनट के अंदर मेरे को लगता है कि अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद हमारा एकमात्र सहारा होगी हमारी फॉग लाइट और हमारा हर्डल्स होंगे स्लिपरी और ब्लैक आइस से भरे हुए रोड्स। अंधेरा होने से पहले एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि यहाँ पे सारे में ओहो ऑफ रोड पैचेज हैं, गीली मिट्टी वाले रोड हैं, मड वाले, टायर तो स्लिप होंगे ही ब्रेक मारने से। दूसरी चीज़ ये है कि भाई सारे रोड गीले हैं, ऊपर चारों साइड हरियाली आ गई तो ठंड बढ़ती जा रही है, वैसी शाम है, धूप चली गई, अंधेरा होने वाला है और गीले रोड, गीली है सारी, यहाँ पे पेड़ पौधे सब एकदम बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ा रहे हैं। अभी मेरे को फील होगी, मैंने देखो लो ग्लव्स पहन लिए बिना कुछ बोले, ग्लव्स पहन लिए, मेरे को फीलिंग आ गई थी भाई ठंड बढ़ रही है। और अभी तो कुछ नहीं, तो मोटा मोटा 80-90 किलोमीटर हमारा बच रहा है यहाँ से। पहुँच गए हम, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जोशीमठ से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास पहले, और हम लोग यहीं कुछ प्रकाश ढाबा पड़ता है, यहाँ पर खाने के लिए रुके क्योंकि हमें पता है अब हम आगे ट्रैवल करेंगे, मतलब ओली पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल से 9:30-10 बज जाएंगे, आइस भी मिल सकती है ना, और 9:30-10 अगर बजे तो वहाँ पे भाई कुछ खाने पीने का कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो पहले खाना है खा लेते हैं ताकि वहाँ पे अगर लास्ट एकदम 10-11 बजे भी पहुँचे तो वह होटल लेके अपना सारा सामान अनमाउंट करके सो जाएंगे वहाँ पे। और अभी यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया, फटाफट आएंगे तो खा के निकलेंगे। और लास्ट की राइड मैं बता दूँ जो हमारी अभी लास्ट, जब रात होने के बाद 1 घंटा तक तो सही था, उसके बाद का जो 1.5 घंटा गया ना बहुत टायरिंग है। और अभी यहाँ से ओली दिखा रहा है 1 घंटे की राइड और आगे, अब भाई खाने के बिना एनर्जी नहीं आएगी और एनर्जी नहीं आई तो आगे चलने में मज़ा नहीं आएगा, तो खाना खा के निकलेंगे आगे। आ गए, ऑर्डर हो गया, बस अब खा के निकलते हैं आगे। तो भाई फाइनली डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया भाई, पेट पूजा एकदम डन, अब भाई एनर्जी भी आ गई है। भाई रास्ता देखो यार, ऐसा लग रहा है मोटो जीपी का ट्रैक है, सांप सीढ़ी, वो तीनों आगे चले गए और हम हो गए लेट। ओहो मैं कह रहा हूँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा, अब हुई ना सुबह मज़ेदार, लेकिन ठंड भी गजब की है भाई यहाँ पे, अब तो ठंड लग रही है बहुत, मतलब हो गई ना रात 9 बज गए, पर ठीक है अब 10 बजे तक भी पहुँचते हैं अगर हम तो, बस होटल लेके जाके सोना है, अब खाना वाना खा के सब कुछ डन है। और ओली रुकना इसलिए सही लग रहा है हमें, वैसे तो हम यहाँ भी बढ़िया थोड़ा सही था, होटल वगैरह पीछे सही थे बड़े बड़े, रुकने को हम यहाँ भी रुक सकते थे, पर फिर वही है कि यहाँ से सुबह फिर दोबारा बाइकों पे सारा सामान माउंट करना पड़ेगा, 1 घंटा उसमें लग जाएगा, फिर आगे जाओ 1 घंटे बाद फिर पहुँच के होटल, देखो इससे बढ़िया अभी देख लेंगे उसी होटल को बुक रखेंगे, अपना सारा सामान उसी होटल में छोड़ देंगे और कैंपिंग का सामान लेके जाके कैंपिंग लगा लेंगे जहाँ मर्जी, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो सुबह हमें हसल अभी 1 घंटे का करना पड़ेगा, सुबह वही 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि ओली जाके रुके। और पीछे जहाँ पे हमने अभी डिनर करा वहाँ पे लोकल से पूछ भी लिया, वो कह रहे हो ओली जा सकते हो आराम से, इतनी ज़्यादा स्नो है नहीं आपके रोड पे ओली तक, तो ओली जाके आप होटल ले लो आराम से, वही सबसे बेस्ट है। तो हमने कहा जब सब यही एडवाइस कर रहे हैं तो लेट्स डू दिस। ओ भाई बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन जोशीमठ में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब इतना कंस्ट्रक्शन मैंने एक ही, मतलब पर्टिकुलर एक रेडियस में इतना कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखा किसी हिल एरिया पे अभी तक, जितना यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन। अब थोड़े रोड सही आए हैं, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो रोड थोड़े सही हो गए भाई, क्या बात है, बंद नहीं करूँगा कैमरा, पीछे तो रोड ही नहीं था, मतलब लास्ट पिछला 10 किलोमीटर तो रोड ही नहीं था भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोशीमठ से ओली की ओर, और भाई रोड के साइड में आइस तो हमें यहीं से देखने को मिलने गई, रोड के साइड में ऊपर जो ये देखो सारे में आइस है ये वाइट वाइट। ओ यहाँ से भाई साहब मेरे ख्याल से रोड पे ब्लैक आइस, ये रही पूरे रोड पे ब्लैक आइस है, अब तो बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा,
अब तो सीन है, अब बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ से आगे। सडनली टेम्परेचर में डिप आया भाई। मतलब हम पिछले हम लोग लास्ट 5 किलोमीटर से बहुत स्टीप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। पतला सा रास्ता है, आप देख ही रहोगे कितना पतला सा, एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी, इतना पतला रास्ता है। और इस रास्ते पे हम लोग कुछ 5 किलोमीटर से स्टीप चढ़ रहे हैं, और अब जाके ठंड, एकदम सडन टेम्परेचर डिप बोलते हैं जिसे, एकदम ही। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका लेवल बढ़ता जा रहा है रोड पे, ब्लैक आइस, प्रॉपर ब्लैक आइस रोड पे, उसके ऊपर से जाए विशेष के टायर कभी भी स्लिप हो जाता है भाई इस पर। मैं तो देख के चलूँगा, तभी तो पीछे कर लिया, अभी तक आगे आगे चल रहा था। भाई साहब देख रहे हो, एकदम एकदम पूरा रोड स्नो कवर्ड होने वाला है धीरे धीरे करके, मज़ा आने वाला है। और ये रोड यहाँ से नैरो होता जा रहा, ख़त्म होता जा रहा है, बहुत गलत जगह चला रहा है, बीच में चलानी पड़ेगी इसे भी भाई। मैं भी बीच में लेता हूँ, एकदम से एक पैच मिलता है पूरा बर्फ से कवर। अभी तो ऊपर देखना आप जरा, ये देखो ये बर्फ पे ही चला रहे हैं लोग, ये देखो। ओ भाई टायर स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर चलाना पड़ रहा है। स्पीड हमारी 10-20 की चल रही है भाई। अगर इन केस किसी की बाइक स्लिप भी होती है तो बस गिरे और उठा लें, विशेष तो भाई दोनों पैर लटका के चल रहा है भी, जहाँ पे भी आइस आ रही है बहुत ज़्यादा, कि बस किस तरह बाइक संभाल लूँ। क्या हुआ, तू कैसे एग्जॉस्ट रेस पे रेस दे रहा है, तू चल। वहाँ से क्या व्यू आएगा तेरी जान कसम, मजा आ जाएगा। लेकिन पैदल पता करना है